हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जी शास्त्रक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बीएसएससी के परीक्षाओं में अब मात्र तीन ही अवसर मिलेंगे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को। यह नियम लागू है, पहले से ही यह नियम लागू है। तो बिहार सरकार ने इस संबंध में एक पीठ पत्र जारी करके इसको क्लेरिफाई करने का प्रयास किया है। ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है यह, जिसमें हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं और वो बीपीएससी बीएसएससी की परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी बीएसएससी से संबंधित कोर्स का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 68वीं पीएससी के लिए अचीवर्स बैच शुरू हो गया है। बीएसएससी सीजीएल के लिए टारगेट बैच चल रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हमारे बैच चल रहे हैं और इंटर लेवल के लिए 15 अगस्त से एक बैच शुरू हो रहा है। और सभी जितने भी परीक्षाएं हैं बिहार से संबंधित, उसके टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी मॉनसून ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो आज ही आप हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स से संबंधी इंक्वायरी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7631864192 पर कॉल करके जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबर को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दिनांक 4/8/2022 का पीत पत्र है जो बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। सभी पदाधिकारी को, सभी कर्मी को, वित्त विभाग के सभी कर्मी को जो है उनको भेजा गया है बिहार पटना, ठीक है। अब ये विषय स्पष्ट रूप से है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति के संबंध में। चूँकि अगर आप बिहार सरकार के सेवक हैं तो किसी भी बिहार सरकार के नौकरी को करते हुए अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी या बीएसएससी, ठीक है, बीएसएससी के फॉर्म को भरे, तो इसके लिए आपको अपने हायर अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से अनुमति लेनी होती है, ठीक है, अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के आप अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। इससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मतलब होने वाली नौकरी खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो इस अनुमति से संबंधित ये लेटर जारी किया गया है। हालांकि ये लेटर पहले से ही चल रहा था और ये बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कई बार इसके बारे में बताया भी है कि आपको सिर्फ तीन ही चांस मिलेंगे, लेकिन वहाँ जो था वो क्लियर नहीं था। लेकिन अब ये क्लियर किया गया है। वहाँ यह था कि अगर आप बिहार सरकार के सेवक हैं और आप बिहार सरकार के सेवक रहते हुए आप जब आपकी उम्र सीमा समाप्त हो जाती है, ठीक है, उम्र सीमा समाप्त हो जाती है, तो आपको अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट देते हुए, ठीक है, 3 वर्ष की छूट देते हुए 3 अन्य चांस मिलता था, 3 अदर आपको अटेम्प्ट मिलता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्लियर किया गया है। हालाँकि यह भी क्लियरेंस जो दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, यह भी पूर्ण नहीं है, यह भी आधी अधूरी है। और ये है कि उपयुक्त विषय में बिहार लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए नियमित विभाग अनुमति हेतु विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा आवेदन समर्पित किया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, अगर आप बिहार से बीपीएससी या बीएसएससी के एग्ज़ाम देने होते हैं तो आपको क्या अनुमति हेतु अपने वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेनी होती है, ठीक है। सरकारी सेवकों को उक्त परीक्षा में भाग लेने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक है जो 2022 में जारी किए गए हैं, में यह प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ से ये स्पष्ट किया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, ठीक है, परीक्षा में की पर आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसर की सीमा होगी। मतलब अगर आप सरकारी सेवक हैं, बिहार सरकार की सेवा में आ चुके हैं, तो सेवा में आने के बाद अब आपको 3 मात्र अवसर मिलेंगे। ये स्पष्ट कर दिया है अब कि अब 3 मात्र ही अवसर मिलेंगे। एतिय उक्त आलोक में भविष्य में विभागीय अनुमति हेतु अनुरोध किए जाने से के पूर्व उक्त अवसरों की सीमा में संतुष्ट हो लिया जाए एवं आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि संबंधित परीक्षा से पूर्व कितने अवसर का उपभोग किया गया है। अब ये कहा गया है कि आप जब भी कोई भी अभ्यर्थी जो है डिपार्टमेंट अभ्यर्थी
जो डिपार्टमेंट से लेता है अनुमति, तो उसके आवेदन में ही आप ये अवलोकित कर दीजिए, आवेदन में ही इंडिकेट कर दीजिए कि ये पहला अटेम्प्ट पहला अवसर है या दूसरा अवसर है या तीसरा अवसर है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अनुमति देने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है, अनुमति देने में परेशानी नहीं होगी। और ये जो लेटर निकाला गया है वो बिहार सरकार के अवर सचिव हैं कमख्या नारायण श्रीवास्तव, ये वित्त विभाग के हैं, तो इनके द्वारा ये निकाला गया है पत्र। तो अब अगर आप बिहार सरकार के सेवा में हैं, सेवा सरकारी सेवक हैं, तो अब आपको सेवा में आने के बाद, ठीक है, सेवा में आने के बाद तीन ही अवसर मिलेंगे, इसलिए तैयारी पूर्ण हो तभी आप इस अवसर का लाभ उठाएं। 3 अवसर 5 वर्ष तक, ठीक है, 5 वर्ष तक, इसके बाद आपको ये अवसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने अवसर का उपभोग करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि अब इस संबंध में आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि आयोग क्या कहना चाहता है और साथ साथ ये वित्त विभाग क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, वीडियो को आपने देखा समझा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।